सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजाक बाजार में मिले। इस गमछे को लगा के जाओ खाने पर, जब आप खाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं, फरुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते ही सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि पीला गमछा डाल करके जाओगे तो दारोगा जी की हिम्मत नहीं होगी तुमसे कुछ पूछने की। उस पीले गमछे में उन्हें राजभर नजर आएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। राजभर के इस आह्वान से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद ओपी राजभर की बोलती हो गई बंद और उल्टे जिलाध्यक्ष ने ठोक दिया है इस्तीफा। जी हाँ, सबसे पहले ओपी राजभर के उस भाषण को सुनिए कि क्या कह रहे हैं और कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजाक बाजार में मिले। इस गमछे को लगा के जाओ खाने पर, जब आप खाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। अब जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजने की गाड़ी। उनके इस भाषण के बाद फरुखाबाद में एक घटना घटी। दरअसल वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष हैं संतराम कश्यप, उनका पैसे के लेन देन को लेकर के किसी से विवाद चल रहा था, थाने में शिकायत हुई, दारोगा जी ने उनको तलब कर लिया। ओपी राजभर के कहे अनुसार वो गले में पीला गमछा और मोबाइल लेकर के पहुंचे, वहां पर पड़ गई डांट, गमछा मोबाइल रखवा लिया दारोगा जी ने। किसी तरीके से संतराम कश्यप ने फोन किया अपने जिलाध्यक्ष संजय कश्यप को और बताई पूरी बात। पहुंच गए वहां पर कार्यकर्ता, हुआ खूब जम के हंगामा। वहां पर कोई राहत तो नहीं मिली, लेकिन बात बढ़ गई। ओपी राजभर को मीडिया ने घेरा और एक के बाद एक कई सवाल दागे। उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे और बात बिगड़ गई। सुनिए क्या कहा। आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहां पे, क्या कहना चाहेंगे। और अब योगी जी की कानून व्यवस्था की तारीफ, जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं, फरुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं। ओपी राजभर अब कह रहे हैं कि फरुखाबाद में कौन है जिलाध्यक्ष उन्हें नहीं पता। इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा घटना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कुछ निराश से दिख रहे हैं। जैसे ही संजेश कश्यप जो जिलाध्यक्ष है उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि जिस सुभाषपा अध्यक्ष के साथ वो 4 सालों से काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें जानते ही नहीं, उन्होंने ठोक दिया इस्तीफा। और अब और ज्यादा बात बढ़ गई है। संगठन में जिलाध्यक्ष या किसी भी पार्टी पदाधिकारी का इस्तीफा देना और वापस लेना चलता रहता है, लेकिन ओपी राजभर ने जो सार्वजनिक कार्यक्रम में पीला गमछा डाल करके थाने जाने वाली बात कही थी, अब वो उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है। या तो अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण दीजिए या फिर अपनी बात वापस लीजिए। ओपी राजभर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, ठोक के बोलते हैं और कई बार अपनी सीमा लांघ भी जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।